बस स्टैंड और लाइब्रेरी बस स्टैंड से टैक्सियों को कार पार्किंग में शिफ्ट करने को लेकर बैठक हुई है। बैठक में उपजिलाधिकारी ने टैक्सी संचालकों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि दोनों टैक्सी स्टैंड पर सीमित संख्या में टैक्सी खड़ी की जाएंगी और शेष टैक्सियों को पार्किंग स्थित कार पार्किंग पर पार्क किया जाएगा और इसका टैक्सी संचालकों ने विरोध किया है। वहीं टैक्सी एसोसिएशन महामंत्री सुंदर सिंह पवार ने कहा है कि प्रशासन टैक्सी चालकों पर दबाव बना रहा है जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासन जबरन निर्णय थोपेगा तो वे इसका विरोध करेंगे। मसूरी से नरेश नुटियाल की रिपोर्ट। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है और ये पार्किंग वाले की हित की बात जहाँ भी मैंने आज तक एनालाइज किया, ये पार्किंग वाले की हित की बात हो रही कि उस पार्किंग वाले को कैसा उसका पैसा वसूल किया जाए। जबरदस्ती हम पे बोला जा रहा है कि आप इतना पैसा दो, हम क्यों दें? जब आप वहाँ पे अगर टूरिस्ट की गाड़ियाँ रोकेंगे, बसें रोकेंगे, टेम्पो रोकेंगे, जैसे पिछले साल वहाँ से शटल सर्विस चलाई, वो चलाने के लिए हम तैयार हैं, परंतु आप जबरदस्ती अगर आप बोलोगे गाड़ी वहाँ खड़ी ना हो तब भी पैसा दो, तो उसको तो बिल्कुल भी हम लोग अवेयर नहीं करेंगे। हम लोगों ने अभी वार्ता की और उस वार्ता में काफी हद तक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो हमारी नई पार्किंग नीचे बनी हुई है कंक्रीज में, तो जितने भी टैक्सी यहां पर हैं अभी मसूरी में स्पेशली जो सड़क के किनारे खड़ी है, वो सारी की सारी वहां पर शिफ्ट होंगी और वहीं से अपने कार्य पर संचालन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत गतिरोध की बिंदु है, हमें एक या दो वार्ताओं के बाद हम बिंदु को